हेलो, वेलकम इन माय चैनल एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस वीडियो की। उस वीडियो में हमने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें एक ये था कि प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट, कि हमें एक नंबर इनपुट करना है, एंटर ए नंबर, और उसे चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। जो नंबर अपने आप से या फिर वन से डिविजिबल होता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर, राइट। तो ये देखिए, इसका जो लॉजिक है वो ये है, एक नंबर हमने इनपुट किया सपोज 13, और उसको हमने एन में इनपुट करा दिया, राइट। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया, बूलियन टाइप का वेरिएबल, जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली ट्रू, और ये टी कैपिटल में आएगा क्योंकि ये एक तरह से कीवर्ड है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि जो नंबर हमने इनपुट किया वो प्राइम ही है। अब इस नंबर को हम सबसे पहले डिवाइड करके देखेंगे टू से, क्योंकि वन से तो सभी कट जाएंगे नंबर, चाहे वो प्राइम हो या ना हो, और खुद से भी सभी कट जाएंगे। इसलिए हम इसको डिवाइड करके देंगे सबसे पहले टू से, कि क्या एन की जो वैल्यू 13 है वो टू से डिविजिबल है। नहीं, कंडीशन फाल्स होगी। तो फिर इसको हम ट्राई करेंगे थ्री से डिवाइड करने की, इस भी फाल्स हो जाएगी। फिर फोर से ट्राई करेंगे, फिर फाइव से ट्राई करेंगे, उसके हाफ तक के सभी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी एक से भी वो डिवाइड हो जाता है तो फिर प्राइम की जो वैल्यू ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएगी। तो प्राइम की वैल्यू फॉल्स कब होगी, जब वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, टू से लेकर उसके हाफ तक के सभी नंबर से। हाफ के बाद तो कटेगा ही नहीं, 7 to the 14 हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम लूप चलाएंगे तो वो टू से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर के हाफ तक चलाएंगे, और अगर एक से भी डिवाइड हो जाता है वो नंबर 13, तो फिर वो नंबर प्राइम नहीं है, तो प्राइम की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, प्राइम की वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब वो प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम। अब मैं दिखाता हूँ इसको आईडीई पे चला करके किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। और ये आ गए हम आईडीई के अंदर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर इनपुट कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ये हमने एक नंबर इनपुट किया इंटीजर में, और प्राइम नाम के वेरिएबल में वैल्यू डाली हम सपोज टू। उसके बाद लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज, और लूप चलेगा टू से स्टार्ट होगा और उस नंबर के हाफ तक चलाना है, एंड डिवाइड टू प्लस वन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लूप चलेगा हमारा ये टू से तो स्टार्ट होगा और एन बाई टू, इसको हमने डबल स्लैश से डिवाइड इसलिए किया कि सपोज एन की वैल्यू 13 है और जब डिवाइड करेगा टू से ये, तो ये आंसर लेगा सिर्फ 6। ये इसे कहते हैं फ्लोर डिविजन, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। और प्लस वन इसलिए किया क्योंकि लूप जब चलता है तो एक कम तक चलता है, इसलिए हमने प्लस वन किया। और अब इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं, इफ एन रिमाइंडर आई इक्वल इक्वल जीरो। अब देखिए आई की वैल्यू सबसे पहले क्या ले गए, टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, सभी नंबर से ट्राई करेगा हाफ तक, किसी एक से भी अगर डिवाइड हो जाता है तो पी, तो प्राइम की जो वैल्यू होगी हमारी वो फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद ब्रेक से हम बाहर आ जाएंगे। फिर जब वो डिवाइड हो जाता है तो प्राइम की वैल्यू फॉल्स होगी, तो आगे चेक करने की क्या जरूरत है, तो इसलिए हमने ब्रेक कर दिया। और अब हम आ गए लूप के बाहर, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या प्राइम की वैल्यू ट्रू ही है। अगर प्राइम की वैल्यू ट्रू है, इट मीन्स वो नंबर प्राइम है, इट इज़ प्राइम नंबर। ये उसके बाद अब एल्स लगाएंगे, अगर वो प्राइम की वैल्यू ट्रू नहीं है, फॉल्स आ चुकी, तो इट मीन्स प्रिंट करेंगे हम नॉट प्राइम, प्रिंट नॉट प्राइम। ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। ये हमने इसको सेव किया और नंबर सपोज मैं नंबर का सपोज टेस्ट कर देते हैं, और ये ओवरराइड क्योंकि पहले से बना हुआ है। और अब इसको हम रन करते हैं, ये मैंने रन पे क्लिक किया। अब ये देखिए नंबर एंटर ए नंबर, सपोज मैं 13 ही डाल दिया, तो ये देखिए इट इज़ प्राइम नंबर। उसके बाद एक बार रन करके देखते हैं, सपोज मैंने इस बार नंबर डाल दिया 15, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये देखिए नॉट प्राइम, राइट। अब हम बात करते हैं उस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन ये था कि प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स, हमें 10 नंबर्स इनपुट करने, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, इस तरीके से, और उन सभी नंबर्स का हमें सम शो करना है कि उन सभी नंबर्स का सम क्या है। लेकिन इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि इफ़ द नंबर इज इनपुटेड जीरो, अगर आपने बीच में कोई नंबर जीरो इनपुट कर दिया तो बस वहीं से नंबर इनपुट करने बंद कर दे और वहीं तक के नंबर पे सम शो कर दे। अगर आपने बीच में जीरो कहीं नंबर इनपुट नहीं किया तो फिर 10 नंबर इनपुट करने के बाद तब सम को शो करना है, ये हमें बनाना है।
और अब आप चलते हैं आईडीई पे, ये आ गया हम आईडीई में। और यहाँ तक आप आराम देखिए सेम रहेगा कि हमने एक नंबर इनपुट करने से पहले लूप भी लगाना पड़ेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे लूप लगाया, तो एक एस ले लेते हैं सबसे पहले, और इसको हटा देता हूँ मैं। एस में हमने ले लिया ज़ीरो, उसके बाद फोर आई इन रेंज 10, ये 10 टाइम लूप चलेगा 0 से लेकर 9 तक। और अब यहाँ पे एक नंबर इनपुट करते हैं, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, ये नंबर इनपुट हो गया, एन में आ गया। और अब यहाँ पे लिखेंगे इफ एन इक्वल टू ज़ीरो, अगर एन की वैल्यू 0 है तो ये ब्रेक से बाहर निकल आएगा, और अगर एन की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर उस नंबर को ये एस में ऐड करेगा, एस इज इक्वल टू एस प्लस एन। बस यही सिंपल सा लॉजिक था। और अब प्रिंट कर देंगे सम इज इक्वल टू एस की वैल्यू। ये देखिए सबसे पहले एक नंबर इनपुट होगा और उस नंबर को चेक करेगा कि वो नंबर 0 है कि नहीं, अगर 0 नहीं है तो उस नंबर की वैल्यू को, एन की वैल्यू को इसने एस में प्लस करके एस में ही डाल दिया, हमने एस में ऑलरेडी 0 लिया हुआ है, तो 0 प्लस एन एस में आ गया वो नंबर जो आपने इनपुट किया। उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, अब ये सेकंड नंबर इनपुट करेगा, अब वो अभी एन के अंदर ही आएगा और उसको भी चेक करेगा, अगर वो 0 के इक्वल है तो बाहर आओ, अदरवाइज उसको भी एस के अंदर ऐड करता रहेगा, और जब तक चलेगा जब तक आप 0 नहीं इनपुट करेंगे तब तक ये चलता रहेगा, अदरवाइज ये 10 टाइम पूरा चलने के बाद तभी लूप से बाहर आएगा। ओके, अब इसको चलाते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। हमने सेव किया और अब यहाँ से रन जैसे करेंगे तो ये देखिए थोड़ी सी एरर आई, रेंज की स्पेलिंग गलत हो गई, RANGE, एरर भी ठीक कर जानी चाहिए। और ये मैंने फंक्शन रेंज फंक्शन की जो स्पेलिंग थी वो मैंने ठीक की, और अब इसको मैं इसको रन करता हूँ। जैसे रन करेंगे तो ये देखिए एंटर ए नंबर, सपोज मैंने डाला 2, उसके बाद सेकेंड नंबर सपोज मैंने डाला 6, फिर 5, फिर 9, अब मैं डालता हूँ 0। तो जैसे 0 डालेंगे तो देखिए यहीं तक के नंबर्स का सम शो कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आप 0 नहीं डालते तो फिर 10 टाइम नंबर इनपुट करने का तब सम को शो करता, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। देखिए व्हाइल लूप और फॉर लूप दो ही लूप होते हैं पाइथन में। फॉर लूप जनरली तब यूज करते हैं जब हमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम पता होता है कि कितनी बार उसे रिपीट करना है, 10 बार करना है या 5 बार करना है। और व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन रखी जाएगी और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये रिपीटेशन चलता रहेगा, जो व्हाइल लूप के अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट होते रहेंगे जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। हो सकता है वो कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स हो जाए तो फर्स्ट टाइम बाहर निकल आएगा लूप से, हो सकता है वो एक दो बार चलने के बाद तब फॉल्स तब बाहर आएगा, मतलब कंडीशन पर डिपेंड करता है, राइट। अब ये इसका देखिए एग्जाम्पल, सपोज हमने ए की वैल्यू ले ली 1, उसके बाद व्हाइल ए लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन डाल दी हमने कि जब तक ए की वैल्यू 5 से लेस देन इक्वल है तब तक दो स्टेटमेंट रिपीट होते रहेंगे। तो ये सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू 1, ये 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, इससे ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा और देखा 2 भी लेस देन 5 है तो 2 भी प्रिंट करेगा, इस तरीके से 3 हो जाएगी और ये 5 तक पूरा चलेगा, 6 जब हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये बाहर आएगा। तो ये था व्हाइल लूप का सिंटैक्स और व्हाइल लूप का एग्जांपल। अब ये देखिए ये है व्हाइल लूप के कुछ एग्जांपल्स। ये देखिए फर्स्ट है प्रोग्राम टू प्रिंट इंटीजर नंबर इन रिवर्स, एक नंबर इनपुट करेंगे हम एंटर ए नंबर और जो भी नंबर हम देंगे उसको रिवर्स में प्रिंट करना है, ऐसे 6541 हमने दिया तो हम प्रिंट करेंगे 14565 6541 14656, इस तरीके से हमें ये नंबर रिवर्स करना है। अब इसको चलते हैं आईडी बनाते हैं, और ये आ गए हम आईडी के अंदर, और अब इसको हम रन करके देखते हैं। अब इसको टाइप कर लेते हैं, एक नंबर इनपुट कर लेंगे, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, ये नंबर हमने इनपुट किया। उसके बाद व्हाइल जब तक एन बड़ा है 0 से तब तक ये लूप चलेगा, प्रिंट एन रिमाइंडर 10। तो ये देखिए ये मेन चीज़ है, एन रिमाइंडर 10 का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे, सपोज 256 दिया तो 256 का जो रिमाइंडर होगा 6 होगा, तो वो उसको प्रिंट करेगा सबसे पहले। और ई एन डी एंड इक्वल टू ये दो सिंगल कोर्स के अंदर कुछ स्पेस भी नहीं देना हमें, इससे क्या होगा जो भी नेक्स्ट डिजिट होगा वो उसके बराबर में ही प्रिंट होगा। तो किसी भी नंबर को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट का डिजिट आएगा, वही ये प्रिंट करेगा। अब हमने किया n इज इक्वल टू n डबल स्लैश 10, और डबल स्लैश मैंने आपको बता चुके हम कि जो भी नंबर होगा उसको ये डिवाइड करेगा, पॉइंट में नहीं लेगा। सपोज n की वैल्यू 256 है तो ये 25 ले लेगा और n में ही डाल देगा। अब ये देखते हैं इसको ये
रन करके रिवर्स हुआ कि नहीं, ये मैंने सेव किया। और अब यहाँ पे रन करेंगे इसको तो ये नंबर इनपुट करेगा, सपोज 4 5, इन नंबर डाल दिया मैंने 3 4 5 1, और जैसे जो एंटर किया हमने तो 1 5 4 3 इस तरीके से आगे। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि जो नंबर आपने इनपुट किया 3 4 5 1, तो ये 0 से बड़ा है, ट्रू है, और इस नंबर को ये डिवाइड करेगा किससे, 10 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो इसने 1 को प्रिंट कर दिया पहले, ये 1 प्रिंट हो चुका। उसके बाद इससे क्या होगा, इसको जब 10 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3 4 5 पॉइंट समथिंग, पॉइंट में नहीं लेगा क्योंकि डबल स्लैश लगा हुआ है, फ्लोर डिवीजन है, तो 3 4 5 लेगा और वो एन की वैल्यू आ जाएगी और वो भी 0 से बड़ी है। तो फिर ये 3 4 5 का रिमाइंडर आएगा 5, 5 को इसने प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर एन की वैल्यू एक और कम हो जाएगी, 3 4 बचेगी, और 3 4 का रिमाइंडर जो आएगा वो 4 आएगा, 4 प्रिंट करेगा, उसके बाद बचेगी 3, और 3 का रिमाइंडर जो आएगा वो 3 ही आएगा, फिर 3 प्रिंट करेगा। अब एन के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0, और 0 पे कंडीशन फॉल्स है। तो ये था हमारा लॉजिक रिवर्स में प्रिंट करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स ऑफ इंटीजर नंबर। सपोज हमने एक नंबर इनपुट किया 2 4 7 1, और इनका सम करना है 1 + 7 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, ये है। तो जो नंबर अभी हमने प्रोग्राम बनाया कि जो नंबर इनपुट के को रिवर्स किया, जो लॉजिक हमने इसमें लगाया कि एक डिजिट लास्ट से हम 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद हम 1 को इसमें सम में ऐड करते चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर एन की वैल्यू बचेगी 2 4 7, उसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो 7 आएगा, उसको भी इसमें सम में ऐड करते रहेंगे। बस इसमें क्या हो रहा था, उसको प्रिंट कर रहे थे हम, इसमें हमें सम में ऐड करना है। अब इसको हम आईडी पे चला कर देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। और ये देखो मैंने नंबर सेम लॉजिक लगाया, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, यहाँ पे एक एस ले लेंगे जिसमें हमें सम करना है, एस इक्वल टू 0, और उसके बाद इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये मैंने यहाँ से इसको हटाया, और यहाँ पे डाल देंगे एस इज इक्वल टू एस प्लस डी एस प्लस एन रिमाइंडर। ये देखिए दो नंबर एन की वैल्यू आएगी, उसको 10 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो एस में प्लस करके एस में ही डाल दिया, और इससे एन की वैल्यू एक एक डिजिट कम होती चली जाएगी। और अब हम नीचे आके इसको प्रिंट करते हैं लूप के बाहर कि सम इज इक्वल टू, ये हमने सम की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब इसको हम चला कर देखते हैं, ये मैंने सेव किया प्रोग्राम, और सेव करने के बाद इसको जैसे रन करेंगे तो ये इन नंबर इनपुट करेगा, सपोज 4 5 सी मैंने नंबर डाल दिया, और जैसे आप एंटर करेंगे तो इनका सम ये नीचे शो नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक रह गई होगी। और फिर से रन करके देख लेते हैं एक बार, रन, ये मैंने रन किया और 2 5 7 ये नंबर डाल दिया, ये आकर देखो सम, तो जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे उस नंबर का सम यहाँ पे शो कर देगा। एक बार और रन करके देख लेते हैं, ये मैंने रन किया और नंबर इनपुट किया सपोज 4 3 2, और ये नंबर और ये इसका सम, राइट। ये है आपके लिए एक्सरसाइज, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ इंटीजर नंबर। जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे उसमें कितने डिजिट का नंबर है ये काउंट करना है, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ इंटीजर नंबर। फर्स्ट नंबर सपोज, फर्स्ट डिजिट सपोज 7 ये हुआ, और लास्ट डिजिट हमारा है 5, तो फर्स्ट और लास्ट का सम करना है, 12 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मस्ट्रांग नंबर, और आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करने का जो लॉजिक है कुछ इस तरीके से है कि जो नंबर आपने इनपुट किया सपोज 153 है, तो इसमें हर डिजिट की क्यूब का सम, 3 की क्यूब करेंगे, 5 की क्यूब करेंगे और 1 की क्यूब करेंगे, उनका जो सम आएगा अगर वो फिर से 153 आता है सब उसका, तो इसका मतलब वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। यदि 3 का हम क्यूब करेंगे तो आएगा 27, 5 का आएगा 125, 1 का आएगा 1, तो इन सब को प्लस करेंगे तो 153 आएगा, दैट मीन्स इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर। और ये है कृष्णमूर्ति नंबर। कृष्णमूर्ति नंबर किसको कहते हैं, क्वेश्चन है प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज कृष्णमूर्ति नंबर। देखिए जैसे आपने एक नंबर इनपुट किया सपोज 145, तो इसमें क्या करना है कि जो आपने नंबर इनपुट किया 145, तो इसमें 5 का हम फैक्टोरियल निकालेंगे, उसके बाद 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे, और उनका जो सम है अगर 145 ही आता है तो उसे कहते हैं कृष्णमूर्ति नंबर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और जो रेड कलर में है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर बताएंगे। और अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।